तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और असल्टिंग ड्रिल्स की वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को तीन ऐसी ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके ना आपकी जो फायरिंग की जो पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ड्रिल में ना है, आपको यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद आप सपोज़ कि इस बोर्ड के पीछे एनिमी है, ये ठीक है, ये एनिमी है, आपको उसको मारना है। तो कैसे मारोगे देखो, सबसे पहले ना आपको यहाँ से रन, आप आ रहे हो इस साइड से, ठीक है, आपको पहले इसको जाना है, फिर जंप करके सीधा प्रोन दबा देना है, ठीक है, जंप करके सीधा प्रोन कर देना है, देखो इस तरीके से, ठीक है। आपको पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी देर, उसके बाद आपको फायर करना भी चालू करना है इसके साथ, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और आपको जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे और आपको पता है कि यहाँ पे एनिमी है, तब आपको फ्री फायर देना चालू कर देना है। उससे क्या होगा, एनिमी के स्प्रे से पहले आपका स्प्रे एनिमी को लग जाएगा, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी भी आपको दिन में 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको आपको 30 दिन तक तो करना ही है, ठीक है। और 30 दिन के बाद आप अपना गेम प्ले देखना है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रिल की ओर। तो इस वाले ड्रिल में ना आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, आने के बाद ना आपको जो है जंप करके करते आगे बढ़ना है, ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप जब ये कर लो, उसके बाद आपको सपोज़ कि यहाँ पे एनिमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, और आपको उसके बाद फायर करते करते जाना है, और आपको फायरिंग चालू नहीं रखनी है, सिर्फ ब्रस्ट देना है उसको, ठीक है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन में 15 से 20 मिनट इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसको भी आपको 30 दिन तक करना ही है। देखो, आप कोई भी ड्रिल ले लो, उसका आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो है अपना गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रिल की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली ड्रिल में आपको जो है आ जाना है इस जगह पर। आने के बाद सपोज़ के सामने यहाँ पे जो है एनिमी खड़ा है, ठीक है, ये एनिमी है अपना, और उसने आपको देख लिया है, उसको पता है कि आप यहाँ पे खड़े हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले क्राउच कर लेना है, ठीक है। क्राउच करने के बाद उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्राउच किया है, ठीक है। हल्का सा ऐसा रोटेशन दे के आपको देख लेना है कि वो कहाँ पर खड़ा है एनिमी अपना, ठीक है। तो उसे देखने के बाद आपको हल्का सा पीक एंड फायर करके, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपना बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना कर दें, जितना हो सके उतना कवर बनाने की आप कोशिश करें, देखो इस तरीके से। और आपको पता है वहाँ पे दो तीन बंदे हैं एक साथ, तो आपको क्या करना है, तब आपको ज़रा सा ऐसा ब्रस्ट देके फिर कवर में चले जाना है, ठीक है। तो बस यही थी आज की कुछ ड्रिल्स, आई होप आपको ये ड्रिल्स पसंद आई होगी, और आपको इस ड्रिल्स को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको इसमें दिन में आपको कम से कम आपको इसमें एक घंटा तो लगाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, ठीक है, तब जाके आपका एक महीने में कुछ गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए और ड्रिल्स के साथ। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है यार, बहुत मेहनत करो यार, या तो कर ही दोगे, इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मैं आपको मिलूँगा अगले ड्रिल्स में, तब तक के लिए बाय बाय।